दोस्तों अब हम आपको ऐसे एक दिव्य स्थान को दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बढ़िया बढ़िया पर हमारे राधा रानी की स्थिति जो क्या वाला गाँव के अंदर है और यहाँ पे बड़े ही प्राचीन दर्शन होते हैं जिसमें समस्त अष्टियों के दर्शन हो रहे हैं। आप देख सकते हो इसमें हमारे राधा रानी के साथ उनकी अष्टियाँ भी नजर आ रही है जो कि गुड्डा गुड़िया को कहते हैं। इस स्थान को नौवारी और चौवारी के नाम से जहाँ पे हमारे आपका दोस्त विशाल स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विशाल बरसाना में। तो दोस्तों आज हम आपको लेके चल रहे हैं हमारी किशोर जी की एक अष्ट सखी है उनसे एक सखी है जो कि तुकविद्या। आज उनका जन्म उत्सव है और उनके जन्मोत्सव में हम आपको लेके चल रहे हैं। तो अब दोस्तों बता दें हम लोग पहुँच चुके हैं उनके यानी कि दवाला गाँव के अंदर जहाँ पे हमारी राधा रानी की तुकविद्या जी का जो जन्मोत्सव हुआ है। आप देख सकते हो पीछे उनके कहते हैं बधाई गीत गा रहे हैं, उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो उसका संपूर्ण व्यू आपके हम आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। तो जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको ब्रज की समस्त लीलाएं आपको घर बैठे आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं और आपको संपूर्ण सार दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं डवाला गाँव में और यहाँ पर हमारी राधा रानी की अष्ट सखी जो कि तुकविद्या जी जो कि हमारी संगीत की मालिक हैं उनका जन्मोत्सव अभी थोड़ी देर में अभी जो हम लोग सभी सखी लेकर हैं अभी उसे मनाया जाएगा तो सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो तुकविद्या जी को अभी मंदिर प्रांगण से लिया और बाहर लेके आया गया है और बड़ी तैयारी चल रही है। अभी उनका अभिषेक होना है और सभी अभिषेक की तैयारी में लगे हुए हैं। तो बड़ा ही कहते हैं ना इस हमारी जो सखियों के जो कहते हैं ना अभिषेक आप देख रहे हो उनके लिए देखने के लिए अभिषेक का जो दृश्य देखने के लिए देवसा भी तरसते हैं। तो आज इस मौके पर आप देख रहे हो हम आपको अपने चल के माध्यम से हमारी लाडली जी की प्रिय सखी तुकविद्या जी का जो कि आप देख रहे हो अभिषेक हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे हो इस जो अभिषेक है इसका सभी ब्रजवासी एवं सभी भक्तगण बड़े ही श्रद्धा से बैठ करके आनंद ले रहे हैं। तो आप भी मानसिक रूप से हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख करके उस युगल स्वरूप का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो आज हम लोग डवाला गांव के अंदर हैं जहाँ पे हमारी तुकविद्या जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज कहते हैं इस आनंद का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, मैं भी इस आनंद को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कहते हैं इस आनंद को तो आपको आकर ब्रज के अंदर ही महसूस करना पड़ेगा। तो एक ऐसा अद्भुत आनंद यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसे कहते हैं मन को बड़ी ही शीतलता प्रदान हो रही है, बड़ी ही कहते हैं मन एकदम खुशी से झूम उठा है। इस तरीके का यहाँ पे आनंद देखने को मिल रहा है। तो अब हम आपको ऐसे एक दिव्य स्थान को दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बढ़िया बढ़िया पर हमारे राधा रानी की स्थिति जो क्या डवाला गाँव के अंदर है और यहाँ पे बड़े ही प्राचीन दर्शन होते हैं जिसमें समस्त अष्टियों के दर्शन हो रहे हैं। आप देख सकते हो इसमें हमारे राधा रानी के साथ उनकी अष्टियाँ भी नजर आ रही है जो कि गुड्डा गुड़िया को कहते हैं। इस स्थान को नौवारी और त्योवारी के नाम से जानते हैं जहाँ पे हमारे नौ सखियाँ और आप सखियाँ प्लस राधा रानी यानी समस्त यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो बड़े ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं आप देख सकते हो जहाँ पे।
बड़ा ही दिव्य स्थान है जो कि हम लोग आपको दिखा रहे हैं डबाला गांव के अंदर। इसके राधा रानी की शक्तियों के साथ उनकी अष्टियाँ, राधा रानी के साथ अष्टियाँ भी देखने मिल जाती हैं। दोस्तों अब आप देख रहे हो तो विद्या जी का जो कि अभिषेक है वो संपूर्ण हो चुका है। तो अभी क्या है, आप देख रहे हो बधाइयाँ बांटी जा रही हैं और बधाई गीत गाए जा रहे हैं। तो बड़ा ही आनंद बरस रहा है हमारे इस ब्रज धाम जो कि बरसाना के पास है डवाला गांव के अंदर। तो देख रहे हो यहाँ पे माताएं बहनें बड़े ही हर्ष और उल्लास से उनकी हमारी तो विद्या जी की बधाई गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा ही अद्भुत आनंद है और ये अद्भुत आनंद हम आपको अपने चैनल विशाल बरसाना के माध्यम से आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको भविष्य में भी इस तरीके की लीलाएं आपको घर बैठे हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहें। तो बड़ा ही आनंद आ रहा है और हमारी लाडली जी की प्रिय शक्ति दुग्विद्या जी का जो कि आज जन्मोत्सव है, सभी लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हो मंदिर प्रांगण को बड़े ही तरीके से सजाया गया, फूलमाला एवं गुब्बारों से काफ़ी सुंदरता यानी कि मंदिर प्रांगण की देखने को मिल रही है। और कह रहे हैं तो विद्या जी का अभी जहाँ बांटी जा रही हैं, अब देख सकते हो किस तरीके से आनंद बरस रहा है हमारे इस तरह धाम रवाला गाँव के अंदर। जन्मोत्सव में और यहाँ पे हमारी किशोरी जी के भक्त हमसे मिले हैं, तो उनसे जानेंगे आज के आनंद के बारे में, किस तरीके का यहाँ पे आनंद यानी किस तरीके का भाव आज आपके आनंद राधे 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 भैया जी का जन्मोत्सव है जो कि हमारी राधा रानी की आज सखी में से एक सखी बड़ी प्यारी सखी है भैया। कैसा आनंद कैसा भाव है भैया, हम तो सही से आए गए यार, हम तो आज आपके अभी हमारी राधा रानी की आज सखी जो कि तुगविद्या जी, जो कि उनका अभिषेक हुआ। और मैं आपको बता दूं क्योंकि हम लोग आज आए हुए बरसाना के समीप डवाला गांव में, और अभी क्या है जैसे जैसे हुआ सभी लोग ने उनके अभिषेक का आनंद लिया और अभी थोड़ी देर में उनकी आरती होगी तो सभी लोग उसका वेट कर रहे हैं। और ये सब हम आपको अपने चल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ा ही आनंद रस बस रहा है हमारे ब्रज में जबकि सखियों के जन्मोत्सव चल रहे हैं। तो दोस्तों जो भाई हमारे चल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस तरीके का आनंद हम आपको हमेशा दिलाते रहेंगे अपने चल के माध्यम से। Thank you.
दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग तरीके के व्यंजन हैं जिसमें मिठाइयाँ भी हैं और भी बहुत सारे व्यंजन हैं जो कि बनाए हुए हैं। तो उनसे अभी क्या है तो विद्या जी का जो कि भोग अभिषेक किया जा रहा है और बड़े ही अद्भुत दर्शन हम आपको अपने चैनल के माध्यम से करा रहे हैं, आप कर सकते हैं, जिसमें अभी आरती हो रही है और सभी लोग इस आरती का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है। चल के माध्यम से हमारी राधा रानी की प्रिय सखी तो विद्या जी का जन्म उत्सव अभिषेक संपूर्ण लीला जो कि संपूर्ण दृश्य जो कि एक अद्भुत दृश्य था वो आपको अपने चल के माध्यम से दिखाया, जिसमें उनकी आरती भी आपको दिखाई प्लस उनका अभिषेक भी उनका उनको दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज की जो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे बीच की समस्त लीलाएं देखने को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तो इसी के साथ राधे राधे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।